कि आप भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। हाँ जी दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, वन बाय वन बताऊंगा आपको। इस वीडियो में आप बने रहना, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, किसी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टॉक बताता हूँ जो फंडामेंटली करेक्ट होता है एंड उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपको पैसा बना के ही देगा। जब भी ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिले तो आप इसमें जरूर बाय करो। और मैं आपको आज जो स्टॉक बताने वाला हूँ वो FMCG सेक्टर का स्टॉक है। तो FMCG सेक्टर का स्टॉक कभी भी आपको पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ में पैसा हमेशा बनता है। जैसे आप कोई दुकान खोल लेते हैं तो उसमें पैसा आपको मिलता रहता है हमेशा, ऐसे FMCG सेक्टर है कि FMCG इसी पे चलता है। जितने भी खाने पीने वाले सामान होते हैं वो उसी पे काम करते हैं, FMCG पे। तो आप लोग देख सकते हो कि जो 6 महीने के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है इस कंपनी ने, 61% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एंड मैं बात करूँ 1 साल का, तो आप लोग देख सकते हो 1 साल के अंदर 73% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। एंड मैं 5 साल का बात करूँ तो 5 साल के अंदर 164% का रिटर्न प्रोवाइड किया, क्योंकि अभी ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुआ है 2022 में, तो इसीलिए अभी ये 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी तक 164% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया इस कंपनी ने। और जो कंपनी का आप लोग देख सकते हो प्राइस देख सकते हो 840 रुपया है अभी इस समय, करंट प्राइस जो चल रहा है 840 रुपया चल रहा है। एंड मैं बात करूँ इसमें प्रमोटर होल्डिंग एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, तो आप लोग देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें 75% प्रमोटर होल्डिंग है, माने 4 हिस्से में 3 हिस्सा कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग है इसके, माने कंपनी का खुद का है। एंड उसमें से भी जो बचा रिमेनिंग 25% में 10% ऑलमोस्ट 10% म्यूचुअल फंड के पास है एंड 7% के उसके पास है फॉरेन कंट्री के बंदे के पास है। तो आप म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन कंट्री को आप इंक्लूड करके इसे प्लस करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये 25% में आधे से ज़्यादा ये एड कर रखे हैं। तो आप लोग मान सकते हो ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड सेल्स एंड ग्रोथ के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो जो कंपनी का सेल्स हुआ है 3 साल के अंदर वो 20% का हुआ है, एंड 5 साल के अंदर जो सेल्स हुआ है 20% का हुआ है, एंड 3 साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो 44% का प्रॉफिट हुआ है, एंड 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो 39% का प्रॉफिट हुआ है। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है इधर आप लोग देख सकते हो 21,27 करोड़ रुपया है, तो मार्केट कैप भी अभी छोटा है, तो आप इसे स्मॉल कैप कंपनी कंसीडर कर सकते हो। एंड कंपनी का नाम जो है इधर लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं एंड गूगल पे टाइप करके इसे फर्दर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।